Subscribe to Hot Talk on PSX and enable the bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम प्यारे दोस्तों, भाइयों, बहनों, नौजवानों, क्या हाल है? सब ठीक है? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे जी। तो दोस्तों, आज आपके लिए ज़बरदस्त किस्म की वीडियो भी लेके आया हूँ और आज आपका थोड़ा जो टेंशन थी, जो परेशानियां थी, वो भी आपकी रिलीज हुई है। मार्केट आज माशाल्लाह पॉजिटिव, उसने आखिरी दो घंटों में तो तबाही मचा दी, अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ मार्केट उठी है। आज आपको इसकी वजूहात बताई जाएंगी कि मार्केट आज क्यों प्लस हुई आखिरी दो घंटे में। उसके बाद चार स्टॉक आपके लिए ऐसे रखे हैं जो कि डिविडेंड भी देने जा रहे हैं और आपको ग्रोथ भी बड़ा जबरदस्त देने जा रहे हैं, ठीक है? तो एंड तक वीडियो के साथ जुड़े रहना। वीडियो शुरू करने से पहले बराए मेहरबानी आपसे मौदबाना गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले जरूर पहुंचे और जितनी भी एक इंफॉर्मेटिव चीजें हैं वो आप तक पहुंचे, ठीक है? और वीडियो को लाइक कर दें और तमाम दोस्तों के साथ शेयर कर लें ताकि सबको फायदा पहुंचे। और तमाम दोस्त जो भी वीडियोस देख रहे हैं, हमारे जो ऑफिशियल ग्रुप है जिसमें बाय सेल की कॉल दे रहे होते हैं और करंट सिचुएशन के मुताबिक साथ साथ बता रहे होते हैं, उसमें आने के लिए, और वो ऑफिशियल व्हाट्सएप है, और जो प्रीमियम है जिसमें आपके पोर्टफोलियो को साथ साथ मैनेज किया जाता है जिससे असल पैसा आप कमाते हैं अपने पोर्टफोलियो से। तीसरे नंबर पे जो स्टॉक मार्केट को सीखना चाहते हैं, इसमें एक्सेल करना चाहते हैं, आए हम आपको सिखाते भी हैं, बताते भी हैं कि स्टॉक मार्केट क्या है, उसमें कैसे पैसा कमाना है, वो हमारा लर्निंग ग्रुप है। इनमें आने के लिए नंबर नोट कर लें 0323471452 जी। तो दोस्तों, बात है कि देखें मार्केट कल जो है, मार्केट बुरी तरह ऐसे ऐसे गिरी के जैसे एक इंक्लाइंड से रोलर कोस्टर होता है, ऐसे नीचे आता है जैसे कि 45 के एंगल से ऊपर से उसको गिराया, रास्ते में छोटी मोटी जो रुकावटें आती हैं उसको मसलता हुआ, फेंकता हुआ, उसको पूरी तरह से धकेलता हुआ नीचे 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 इस तरह करके मार्केट आई और उसने एक दफा हिला के रख दिया पूरी स्टॉक मार्केट की इंडस्ट्री को और उनके इन्वेस्टर्स को, उनके ट्रेडर्स को और तमाम जो इसके साथ जुड़े हुए हैं कि ये हुआ क्या आज, कि क्या इतनी क्यामत आ गई है, क्या मामला हो गए कि मार्केट इतनी गिरी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, हमने अपने ग्रुप में इस्तकामत का मुजाहरा किया, बुर्दबारी का मुजाहरा किया, सब्र का मुजाहरा किया, होल्डिंग रखा, बल्कि मजीद हमने बायिंग किया। रूमर्स मार्केट में ज्यादा थे, ठीक है, मानते हैं मौशी और सियासी हालात हमारे खराब हैं, लेकिन इस कदर खराब नहीं हुए कि मार्केट को इस तरह बुरी तरीके से रौंदा जाए। तो मार्केट नीचे आई, तो जो हमने कल बाइंग की थी और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने उनको जो करंटली हमने लिया था उसको ना के सिर्फ हमने सेल किया बल्कि हमने कुछ स्टॉक्स को होल्ड भी किया। अगर आप भी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं और अभी तक लॉस में हैं, या अगर आप न्यूली इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं, तो हम आपके लिए लाए हैं एक अमेजिंग गुड न्यूज। हम अपना ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं जिसमें आपको मिलेगी डेली बाय सेल कॉल्स विद बाय सेल टारगेट। इसकी मंथली फीस है 1000 रुपीज। उसके बाद हम अपना सेकंड ग्रुप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं जिसका नाम है प्रीमियम ग्रुप। इसमें आपको ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप वाली सर्विसेज मिलेंगी, उसके साथ ही साथ आपका पोर्टफोलियो भी मैनेज करवाया जाएगा। थर्ड नंबर पर हम आपको अपना लर्निंग ग्रुप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं जिसमें आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड A to Z मुकम्मल नॉलेज फराहम की जाएगी और आपको बनाया जाएगा एक बिग प्लेयर। अगर आप इन तीनों में से किसी भी ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो अभी फोन उठाएं और स्क्रीन पर चलते हुए नंबर्स पर कांटेक्ट करें। और हमने साथ साथ ऑफिशियल ग्रुप में अपने तमाम दोस्तों को साथ साथ हर चीज से आगाह करते रहे कि ये रूमर्स हैं, आपने एहतियात करनी है, बेचे ना कुछ भी, जो आप रखेंगे इंशाल्लाह कल आपका रिकवर होगा। अल्लाह के फजल से वो चीज रिकवर हुई और बेहतर डायरेक्शन में गई। तो दोस्तों, बात यह है कि आखिरी दो घंटे में मार्केट की अपवर्ड डायरेक्शन आने की सबसे बड़ी वजह ये थी, जो गवर्नमेंट ने ये चीज का फाइनल अंदिया दे दिया है और फाइनल उन्होंने कहा जी कि अब हमें जो है वो अनपॉपुलर डिसीजन लेने ही पड़ेंगे क्योंकि इसके बगैर मुईशत का पहिया नहीं चल सकता और ये हमारे अनपॉपुलर डिसीजन ही हमारे पॉपुलर डिसीजंस में कन्वर्ट होंगे। और ये बात सही भी है कि इस वक्त देखें सोशल मीडिया का दौर है,
हर बंदे को पता है कि ये IMF का पैकेज लेना है तो हमारी जान छूटनी है। अगर हम कहें कि पॉलिटिक्स की को मद्देनजर रखते हुए अपोजिशन इस पे सियासत करे कि इन्होंने IMF का पैकेज क्यों लिया, ये इन्होंने महंगाई कर दी है, तो ये तो होना है। ये उनको लोग कहेंगे कि ये गलत कह रहे हैं, ये सियासत चमका रहे हैं। तो इस वजह से उनको इस चीज की अब समझ आ गई है कि IMF का पैकेज लेना है और ये एक दफा मईशत को दुरुस्त करना है। देखिए, मैंने एक छोटी सी बात आपको ये भी दी थी कि अगर IMF का पैकेज नहीं लेते, अगर ये छोटी छोटी महंगाई नहीं करते, खुदा ना खास्ता अगर मुल्क डिफॉल्ट होता है, आपका पेट्रोल, सिर्फ एक मैं मिसाल दे रहा हूं, सिर्फ पेट्रोल आपका 1500 रुपए लीटर मिनिमम और 2500 रुपए लीटर मैक्सिमम पेट्रोल के प्राइस हमारे मुल्क में जा सकते हैं फी लीटर। अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता इस तरह की नौबत आई, तो उससे बेहतर नहीं है कि हम 225 का पेट्रोल जो ले रहे हैं लीटर, वो हमें 250 का मिल जाए, चलो 260 का मिल जाए, वो हमें काबिले कबूल है। लेकिन अगर वो जाके हमने 1500 पे लेना है तो वो क्यों ले। तो इसीलिए अभी से अगर हम अपनी सिमत दुरुस्त कर लेंगे तो हमारे लिए बेहतर है। एक ये गवर्नमेंट का डिसीजन सामने आया जिसकी वजह से मार्केट में अपवर्ड बुलिश ट्रेंड आया। दूसरे नंबर पे स्टेट बैंक के माशाल्लाह जबरदस्त किस्म के बयान आए कि अगले हफ्ते से हमारे मुल्क में डॉलर ही डॉलर आने वाला है वाफर। अब उन्होंने, जारी सी बात है, गवर्नर स्टेट बैंक है, उन्हें को जरिया नजर आ रहा, तो उन्होंने कहा ऐसी बोंगी तो नहीं ना मार दी। तो ये एक वैलिड चीजें होती हैं जिसको आप एक्सेप्ट करते हैं तो ये मुल्क में जेन्युइन डॉलर आएगा और उसी से हमारे मामला संभलेंगे, फिर ही मामला आगे चलेगा। तीसरे नंबर पे गवर्नमेंट जो है वो सबसे ज्यादा जो तवज्जो दे रही है अब वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज हैं जो कि एक्सपोर्ट करेंगी, जिसमें के सबसे बड़ी हमारी जो टेक्नोलॉजी है, दूसरे नंबर पे टेक्सटाइल है। इस पे इन्होंने तवज्जो देने की पूरी भरपूर ठान ली है कि इस पे तवज्जो देंगे और इससे हम करोड़ों डॉलर पाकिस्तान में लाएंगे, बिलियंस ट्रिलियंस डॉलर्स लाएंगे और वो हमारे जो है डॉलर के जखायर में भी इजाफा करेंगे और हमारा इम्पोर्ट बेस्ड जो वर्क है वो भी ठीक हो जाएंगे। आज देखें कि जो हम तकरीबन, मैं 2-3 महीने से, आप भी सुन सुन के थक गए होंगे वीडियोस में, के भाई अक्सर जिक्र करते हैं जी वेंशियन सिस्टम लिमिटेड नेटसॉल का, और आज आपकी मार्केट को उठाने के लिए बारिश के पहले कतरों की माने बना ये सिस्टम लिमिटेड। उसने अपनी स्पीड दिखाई और मार्केट में लगा लें कि 2 बजे तक 2:30 बजे तक था, फिर भी तनाव मार्केट कभी नीचे कभी ऊपर, तो इसके हैवी वेटेज स्टॉक ने इसको मार्केट को उठाया, 10-12 रुपए प्लस गई। उसके बाद तमाम आगे पीछे के भी तमाम उन्होंने देखा है जी, कॉन्फिडेंस बहाल हो रहा है, बारिश के दूसरे कतरे भी आहिस्ता आहिस्ता गिरने शुरू हुए और फिर सिस्टम लिमिटेड ने एक टाइम पे 22-23 रुपए भी ऐड कर दिए। फिर टेक्नोलॉजी भी सारी चली, AVN भी चला, नेटसॉल भी चला और जितने टेक्नोलॉजी के बाकी स्टॉक थे वो भी थोड़ा थोड़ा इनके पीछे आए। फिर वो रिफाइनरी भी चली, फिर उसके बाद ऑयल एंड गैस वो भी चले, उसके बाद केमिकल, ये वो सारे मामला थोड़े थोड़े चलने शुरू हुए। तो दोस्तों ऐसे ही होता है, थोड़ा थोड़ा करके इत्माद बहाल होता है और फिर मामला आगे चलना शुरू हो जाते हैं। बाकी दूसरी तरफ बात रहेगी पॉलिटिकल, तो पॉलिटिकल भी ये 2 सूबों का अब मामला है, सिर्फ KPK और पंजाब, इसकी केयर टेकर हुकूमत आ जाएगी, बाकी ये गवर्नमेंट 3 सूबे उसी तरह से हैं और मामला नॉर्मल की तरफ आ जाएंगे अगर ये थोड़ा सुख चैन से रहेंगे तो। तो अल्लाह पाक मामला को सारे को बेहतर कर देगा इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। तो दोस्तों अब आपके स्टॉक्स की तरफ आता हूँ, मंडे का भी पहले बता दूं, सॉरी कल का भी बता दूं, कल आपकी मार्केट भी बेहतर परफॉर्म कर सकती है क्योंकि इसने अच्छी क्लोजिंग दी है। आज इसने अपनी 2 सपोर्ट्स रेजिस्टेंस को ब्रेक की है और 3rd रेजिस्टेंस के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है। इंशाल्लाह ताला कल भी मार्केट अच्छा मूव करेगी, लेकिन अनसर्टेनिटी तब तक रहेगी जब तक IMF का पैकेज नहीं आ जाता और मुआशी तो उस पर हम जो पॉलिटिकल साइड पे भी हमें कोई नॉइस इस तरह की नहीं आती जो कि टॉर्च करे हमारी मार्केट को, ठीक है। तो दोस्तों अब हम अपने 4 स्टॉक की तरफ आते हैं, जो 4 स्टॉक आपको बताने हैं। इनमें सबसे पहले है जी OGDC, PPL, पोल। अब इनकी तरफ UAE काफी हद तक मतवजह है, पहले भी इनकी रैली अच्छी गई थी, 2-3 दिन इनमें करेक्शन हुई है, आज इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है और अच्छी क्लोजिंग दी है, इंशाल्लाह कल भी बेहतर हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है जी 4th नंबर पे ATL रिफाइनरी का, ये भी आपको पता है ये प्रॉफिट में भी है और इस दफा ये प्रॉफिट में आई है कंपनी और बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है, ये भी आपको कल परफॉर्म करती हुई नजर आएगी। OGDC, PPL, पोल और ATR। इसके साथ ही आपसे इजाजत चाहता हूँ, देरों दुआ में याद रखिएगा, आपका दोस्त, आपका खादिम, आपका मुखलिस आमिर शहजाद, अल्लाह हाफिज।